आइए अब हम जानते हैं कि अम्ल तथा क्षारक धातु ऑक्साइडों या फिर अधातु ऑक्साइडों से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड या सोडियम का ऑक्साइड, क्योंकि ये धातु के ऑक्साइड हैं तो इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और इसीलिए जब हम इनकी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो हम जानते हैं कि एक क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसीलिए जब यहाँ पर धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से होती है तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, चूंकि यह धातु ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति क्षारीय है, इसलिए यदि हम इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें लवण मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में मिलता है जल। अब इसी तरह से जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और इसीलिए जब हम इनकी क्रिया क्षारकों से कराते हैं तो ये लवण देते हैं और जल बनता है। उदाहरण के लिए यदि हम सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया किसी क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फाइड लवण और प्राप्त होगा जल। तो इस तरह हम देखते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड चूंकि क्षारी प्रकृति के होते हैं इसलिए अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, तथा दूसरी ओर जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होने की वजह से क्षारों के साथ क्रिया करके ये लवण और जल बनाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षारक किस प्रकार से रासायनिक क्रिया करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये अम्ल और क्षारक आपस में भी क्रिया करते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ। आपको इस चार्ट पेपर पर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं जादू। मैं इस चार्ट पेपर को यहाँ पर लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक जादुई पानी का लेप लगाने वाली हूँ। ये है मेरा जादुई पानी। चलिए इसका लेप लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, इस पे तो कुछ डिजाइनें उभर कर आ रही हैं। अरे वाह, देखो बच्चों, पहले चार्ट पेपर पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसमें जादुई पानी लगाया इसमें कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लग गई। तो बच्चों आपने देखा कि ये जादू नहीं बल्कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस सारी अभिक्रिया को हम और अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों इसके लिए आपको तनु अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना होगा, साथ ही तनु क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा, साथ ही लेंगे फिनॉप्थलिन इंडिकेटर। बच्चों ये फिनॉप्थलिन इंडिकेटर एक रासायनिक सूचक है जो कि अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है यह गुलाबी रंग देता है। मैं इसके लिए सबसे पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में फिनॉप्थलिन इंडिकेटर की दो बूंदें डालती हूँ। बच्चों आप देख रहे हैं यह विलयन अभी भी रंगहीन है। बच्चों एक बात बताऊँ, कभी भी हमें रंग देखने के लिए पीछे सरफेस सफ़ेद रखनी चाहिए। तो मैं पहले इस पेपर को हटाकर यहाँ पर एक सफ़ेद सरफेस बना लेती हूँ। ठीक, चलिए अब हम इसमें और NaOH विलयन डालते हैं और देखते हैं। देखिए हम इसमें NaOH डालते जा रहे हैं और यहाँ पर क्रिया होती जा रही है।
यहाँ पर अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हो रही है। देखिए विलयन गुलाबी हो गया। बच्चों तो आपने देखा कि जब मैंने अम्ल के विलयन में फिनॉफ्थलिन की कुछ बूंदें डाली तब विलयन रंगहीन था, और जैसे ही मैंने उसमें NaOH विलयन मिलाना शुरू किया वहाँ पर क्रिया होने लगी, यानी कि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हुई तथा लवण और जल बना। जैसे जैसे सारे अम्ल के अणुओं ने क्षार के अणुओं से क्रिया करके लवण और जल बना दिया तो विलयन उदासीन हो गया। अब इस उदासीन विलयन के पश्चात जैसे ही मैंने अंतिम बूंदे NaOH की डाली गुलाबी रंग आ गया। इसका मतलब कि विलयन पूरी तरह से उदासीन होने के पश्चात जैसे ही हम क्षार की एक बूंद डालते हैं विलयन क्षारी हो जाता है और इसलिए विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो देखा आपने, जब हम परख नली में अम्ल लेते हैं और उसमें एक सूचक डाल देते हैं फिनॉप्थलिन। हम जानते हैं कि फिनॉप्थलिन सूचक अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है, यानी कि वह अपने ओरिजिनल कलर रंगहीन अवस्था में रहता है। और जैसे ही हम इसमें क्षार की बूंदें डालते जाते हैं तो ये जो क्षार है वह अम्ल के अणु के साथ क्रिया करके उसे उदासीन करता जाता है। और इस तरह से जब पूरे क्षार के जो क्षार अम्ल के अणुओं को पूरी तरह से उदासीन कर देता है तो अब हमारे पास विलयन में सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है और पानी होता है, और इसीलिए ये जो अवस्था होती है इसे हम उदासीनीकरण की अवस्था कहते हैं। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि जैसे ही अब हम एक बूंद क्षार की डालते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर अम्ल उपस्थित नहीं है, वह पूरी तरह से उपयोग हो चुका है और लवण में परिवर्तित हो चुका है, तो जैसे ही क्षार की एक बूंद डाली जाती है वैसे ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से मौजूद जो फिनॉप्थलिन इंडिकेटर है वह क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अम्ल और क्षार हैं आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड जो कि जलीय विलयन में जाकर अपने आयनों में टूट जाता है और इसीलिए वे विद्युत का प्रवाह करने में सक्षम होता है। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों हमने कक्षा नवमी में आयनिक यौगिकों के साथ एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जिससे विद्युत बल्ब जलने लगा था, यानी कि उसमें विद्युत चालन संभव है। क्या लगता है आपको, अम्ल और क्षार में भी विद्युत चालन संभव है? चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अम्ल लेते हैं। ये मेरे पास है तनु HCl, ठीक है, और ये है रबर की कॉर्क जिसमें हमने ये देखिए कील को इस प्रकार लगाया हुआ है, और ये तार इसमें संयोजित है। तार में ये LED बल्ब भी लगाई हुई है। अब हमें इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है, तो यहाँ पर ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिससे हम 12 वोल्ट की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। तो चलिए धारा प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए ये हो गया स्विच ऑन। देखिए तो LED बल्ब जला क्या? नहीं जला। अब हम एक काम करते हैं, ये लेते हैं इसे रबर के कोर को इस प्रकार इसमें डालिए कि जो कील का कुछ हिस्सा जो है वो तनु HCl में डलना चाहिए, डूबना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, देखिए LED लाइट जो है वो जलने लगी, देख रहे हैं बच्चों। तो हमने देखा इसे हम इस प्रकार यहाँ रख देते हैं, ये देखिए LED लाइट जल रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अम्ल में भी विद्युत चालन संभव है क्योंकि अम्ल में आयनीकरण होता है। अब एक काम करते हैं, फिर से अब हम ले लेते हैं क्षार। तो
तो अब हम इसके क्षार के साथ करेंगे इसी क्रियाकलाप को। तो हमने क्षार के रूप में ले लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फिर से वही प्रक्रिया करनी है, तो विद्युत धारा का प्रवाह करना होगा। तो ये कर लिया स्विच ऑन, देखिए अभी लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो अब ये वापस से जाएगा अंदर किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और बिल्कुल उसी प्रकार कि वो जो कील है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ी डूबनी चाहिए। देखिए बच्चों लाइट जल गई, इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों में आयनीकरण होता है और इसलिए दोनों में विद्युत का चालन संभव है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जली विलयन लिया उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और बल्ब जल उठा था। इसी तरह से जब हमने क्षारक लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसके विलयन में भी जब हमने इलेक्ट्रोड डाला और विद्युत परिपथ से इसको जोड़ा और उसमें लगी हुई बल्ब जल गई थी। इसका मतलब ये है कि अम्ल तथा क्षारक इनके जली विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल और क्षारक भी अपने जली विलयन में जाकर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इनका इसका मतलब कि अम्ल तथा क्षारकों का भी आयनीकरण होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आयनीकरण क्या है। अम्ल और क्षारकों के जली विलयन के गुणों के विषय में समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इसी अध्ययन के अंतर्गत एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आरेनियस, जिन्होंने 1884 में अम्ल और क्षारकों से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि अम्ल और क्षारकों के जो जली विलयन होते हैं उनके विशिष्ट गुण होते हैं। यानी कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो अम्ल एक धन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन और एक ऋणात्मक आयन में विभाजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, जिसे हम अम्ल का आयनीकरण कहते हैं। इसी तरह से जो क्षार होते हैं वो अपने जली विलयन में एक ऋणात्मक आयन जिसे हम OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं तथा एक धन आवेशित आयन देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब इसका जली विलयन बनाते हैं तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक धन आयन H पॉजिटिव आयन तथा एक ऋण आयन Cl नेगेटिव आयन में आयनीकृत हो जाता है और अम्ल में जब विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं आयनों की वजह से होता है। इसी तरह से यदि हम क्षारक लेते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन बनाते हैं तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऋणात्मक आयन OH नेगेटिव आयन तथा एक धनात्मक आयन Na पॉजिटिव आयनों में आयनीकृत हो जाता है और जो कि क्षार की में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब H2SO4 का जली विलयन बनाया जाता है तो इससे क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन हैं इसलिए हमें इसके एक मोल से दो पॉजिटिव एच पॉजिटिव आयन मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर SO4 टू नेगेटिव आयन मिलते हैं। इसी तरह से क्षारक लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका जली विलयन बनाया जाता है तो इससे हमें कैल्शियम 2+ आयन मिलते हैं और इसी तरह से हमें दो मोल OH नेगेटिव आयन के मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी अम्ल या क्षारकों का जली विलयन बनाया जाता है तो हमें पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं और ये जो आयन है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी अम्ल या क्षारकों का जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और इसी तरह से चूंकि अम्ल टूटकर H पॉजिटिव आयन देते हैं और यही H पॉजिटिव आयन इनकी अम्ल की अम्लता का कारण होता है। इसी तरह से जो क्षारक होते हैं जो जल में विलय होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं ये OH नेगेटिव आयन ही इनकी क्षारक के गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ये अम्ल या क्षारक केवल जली विलयन में ही आयनों में वियोजित होते हैं? यदि जल ना हो तो क्या ये अपने आयनों में नहीं टूटेंगे? तो आइए इससे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं।
बच्चों, इसके पूर्व क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई दी, और इसी प्रकार जब हमने क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तब भी एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई दी। इसका तात्पर्य यह था कि अम्ल ने जली विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त किया और इसी प्रकार क्षार ने अपनी जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त किया, और ये आयन ही इन अम्ल तथा क्षार के विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी थे। तो क्या वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है वे अम्ल होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि इसके एक अणु में 12 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो क्या यह भी अम्ल है? क्या यह भी अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा? आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। 2 चम्मच ग्लूकोज, 2 चम्मच डालकर इसका विलयन भी तैयार कर लेते हैं। जिसमें हमने ग्लूकोज का विलयन मिला हुआ है उसमें यही प्रक्रिया करें। ये देखिए, दोनों सिरों पर हमने अपना विद्युत परिपथ कंप्लीट किया, परंतु हमें एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हमने ग्लूकोज के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज ने अपने हाइड्रोजन को आयनों के रूप में मुक्त नहीं किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होता है ये आवश्यक नहीं कि वो अम्ल हों। अम्ल वही होते हैं जो अपने जली विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। तो देखा आपने, जब पानी नहीं था उस स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपनी अम्लता की सूचना हमें नहीं दे पा रहा था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H पॉजिटिव आयन तथा Cl नेगेटिव आयन में नहीं टूट रहा था, और इसीलिए जब हमने pH टेस्ट किया तो हमें अम्लता की सूचना नहीं मिली। इसी तरह से जो क्षारक होते हैं वह भी अम्ल या जो इसी तरह से जो क्षारक होते हैं वह भी पानी की उपस्थिति में ही अपने आयनों में टूटते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं, और तभी हम इनकी क्षारकता की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हम अम्ल और क्षार को परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में विलय होकर एच पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और इसी तरह से वे पदार्थ या अणु जो कि जल में विलय करने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमारे पास अम्ल तो बहुत से हैं। हमने अध्याय के प्रारंभ में देखा था कि हमारे पास कुछ अम्ल होते हैं जो कि फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं और हम इन्हें आसानी से खा लेते हैं, जबकि हम ये जानते हैं अम्ल के गुणों में हमने पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और साथ ही संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो यदि ये संक्षारक प्रकृति के हैं तो हम इन्हें कैसे खा सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कार्बनिक अम्ल हैं जो फलों और सब्जियों में होते हैं वो उतने ज़्यादा प्रबल नहीं होते, जबकि जो खनिज अम्ल होते हैं जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं संश्लेषित करते हैं वो काफ़ी प्रबल होते हैं। तो इस तरह से हम अम्लों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक दुर्बल अम्ल और दूसरे प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल कौन होंगे? अब हम ये जानते हैं कि अम्ल की अम्लता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना हाइड्रोजन आयन देता है। तो यदि कोई अम्ल जली विलयन बनाने पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक प्रबल अम्ल होगा। उसी तरह से यदि कोई अम्ल जलीय विलयन पर बनाने पर बहुत थोड़े से हाइड्रोजन आयन देता है एच पॉजिटिव आयन देता है तो वह दुर्बल अम्ल होगा। जैसे कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो इसके बहुत सारे 100 अणुओं में से केवल 5% अणु ही वियोजित होते हैं और
एच पॉजिटिव आयन देते हैं, बाकी का जो अणु है वो उसी अवस्था में रहते हैं। जबकि दूसरी ओर यदि हम देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, जिन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं, जब हम इसे जल में विलय करते हैं तो ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि ये टूट कर बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन देते हैं और इसीलिए ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से हम क्षारों को भी ले सकते हैं। तो क्षार की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जलीय विलयन बनाने पर OH नेगेटिव आयन देता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो क्षार अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देगा वो ज़्यादा प्रबल होगा, जबकि जो क्षार कम मात्रा में H नेगेटिव आयन देगा वह दुर्बल क्षार होगा। तो इस तरह से हम अम्ल तथा क्षारों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, और इसी तरह से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। एक और अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। हम कई बार सुनते हैं कि तनु विलयन, ये अम्ल का तनु विलयन है और ये अम्ल का सांद्र विलयन है। ये तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं? इसका मतलब यह है कि यदि हमारा जो अम्ल का विलयन है उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और पानी का की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे स्थिति में ये जो विलयन कहलाएगा वह सांद्र विलयन कहलाएगा। दूसरी ओर यदि अम्ल के जली विलयन में जल की मात्रा ज़्यादा है और अम्ल की मात्रा बहुत कम है तो ऐसा अम्ल का विलयन तनु विलयन कहलाएगा। इसी तरह से हम क्षारों को भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि क्षार के जलीय विलयन में क्षार की मात्रा बहुत अधिक और जल की मात्रा कम है तो यह जो विलयन होगा वह सांद्र विलयन कहलाएगा। दूसरी ओर यदि क्षार के जलीय विलयन में क्षार की मात्रा बहुत कम है और जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो क्षार का यह विलयन तनु विलयन कहलाएगा। तो इस तरह से हम तनु क्षार या अम्ल के तनु विलयन, क्षार या अम्ल के सांद्र विलयन को भी पहचान सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यदि हमारे पास, अब यहां पर बात तनु और सांद्र विलयन की हो रही है या तनु और सांद्र अम्ल की हो रही है, तो यहां पर आपको एक बात, जरूरी बात जान लेनी बहुत ही आवश्यक है। वो ये कि यदि हमारे पास कोई सांद्र अम्ल है और उसे हमें तनु करना है तो आप क्या करेंगे? आप भाई सांद्र विलयन में जल मिलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप अम्ल में जल मिलाएंगे या फिर जल में अम्ल मिलाएंगे। तो यहाँ आपके लिए जान लेना जरूरी है कि जब भी हम किसी अम्ल के सांद्र विलयन का तनुकरण करते हैं तो अम्ल के सांद्र अम्ल के तनुकरण की प्रक्रिया होती है, यह एक बहुत ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। जब जैसे ही उसमें से, तो यहाँ पर जब भी हम सांद्र अम्ल के विलयन को तनु कर रहे होते हैं तो उस समय हमें किसी भी बीकर में जल की मात्रा लेनी होती है और उसमें अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालनी होती है, क्योंकि जैसे ही अम्ल पानी से मिलता है वैसे ही यहाँ पर जो तनुकरण की क्रिया होती है उससे ऊष्मा बाहर निकलती है और निकलने वाली ऊष्मा को जो जल की अधिक मात्रा आपने पहले से ले कर रखी है वह उसे कंज्यूम कर लेती है और इस तरह से जो पूरा बर्तन का विलयन है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। दूसरी ओर यदि आपने बीकर में पहले से ही सांद्र अम्ल ले लिया है और यदि आप उसमें पानी की मात्रा डालते हैं तो जैसे ही पानी सांद्र अम्ल में मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी और ये जो ऊष्मा होगी वह उसे वहाँ पर कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा और इस स्थिति में जो अम्ल है वह बहुत अधिक गर्म हो जाएगा और वह पीकर से छलक कर बाहर भी आ सकता है और इससे आपको चोट भी लग सकती है। तो इस तरह से जब भी हम किसी सांद्र अम्ल का तनुकरण करें, उसका तनु विलयन बनाएं, तो हमें यह याद रखना है कि हमें जल में अम्ल की मात्रा धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके मिलानी है, न कि सांद्र अम्ल में हमें पानी की मात्रा मिलानी है। तो जब भी आप अम्ल का तनुकरण करें तो आप पानी में अम्ल की मात्रा बूंद बूंद करके मिलाएं। ये तो हो गई अम्ल और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की बात।
हमने ये भी जान लिया कि यदि हमारे पास अम्ल या क्षार होते हैं तो हम बड़ी आसानी से लिटमस पेपर की सहायता से ये पहचान कर लेते हैं कि इनमें से कौन अम्ल है और कौन क्षार है। लेकिन यदि हमारे पास बहुत से तनु अम्ल और सांद्र अम्ल का ही विलयन दे दिया गया हो तो भाई लिटमस पेपर से हम ये तो जान लेंगे कि ये अम्ल हैं, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि इनमें कौन तनु है और कौन सांद्र है, या फिर हम ये कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है और कौन प्रबल अम्ल है। हम ये जानते हैं कि अम्ल की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है या एच पॉजिटिव आयन देता है। यानी कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उसमें एच पॉजिटिव आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनमें उनके विलयनों में एच पॉजिटिव आयनों की संख्या कम होती है। लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी माप कैसे करेंगे? तो इस समस्या का समाधान किया था प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोरेनसन ने। उन्होंने 1909 में अम्ल के विलयनों में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन करने के लिए एक पैमाना दिया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो पीएच स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं दिखाई जाती हैं। यानी कि इस पीएच स्केल की सहायता से हम अम्ल के में की जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है उसके 0 से लेकर 14 तक के मानों का मापन कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम देखें, इसका मापन करने के लिए यदि हमारे पास दुर्बल और सांद्र अम्ल हैं तो इनका मापन करने के लिए, उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करने के लिए अब हमें एक विशेष प्रकार के लिटमस पेपर की आवश्यकता होती है, और इस पेपर को हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक या सार्वत्रिक विलयन, या जिसे हम पीएच पेपर भी कहते हैं। वास्तव में ये जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं या सार्वत्रिक सूचक का जो विलयन होता है ये पेपर फॉर्म में भी मिलता है और विलयन फॉर्म में भी मिलता है। तो ये जो सूचक होते हैं वो कई प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है, और इनका जो विलयन तैयार होता है या फिर इसमें हम पेपर को डिप करके जो सार्वत्रिक सूचक पीएच पेपर बना लेते हैं उसकी सहायता से हम विभिन्न दुर्बल तथा प्रबल अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन कर लेते हैं। यहाँ पर हम बता दें कि जो ये जो पीएच विलयन होते हैं या पीएच पेपर होते हैं अलग अलग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के अनुसार अपना रंग, अलग अलग रंग प्रदर्शित करके हमें उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की सूचना देते हैं, और उससे हम आसानी से इस पीएच स्केल की सहायता से उसके पीएच का मापन कर लेते हैं। यहाँ पर हम रंगों का यदि पहचान देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास श्वेत प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं जिसे हम विबग्योर कहते हैं, तो यहाँ पर हम बता दें कि जो जब पीएच 7 होता है उस समय जो आपके पीएच पेपर का रंग होता है वह बिल्कुल बीच में आप देख सकते हैं विबग्योर का जो ग्रीन कलर है वैसा दिखाई देता है। यानी कि यदि पीएच पेपर हमें 7 रंग दर्शा यदि पीएच पेपर हमें हरा रंग दर्शाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका पीएच 7 है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वह 10^-7 है। इसी तरह से यदि हम पीएच नीचे की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 0 से लेकर 7 तक के जो पीएच मान होते हैं उस समय पीएच पेपर का रंग येलो, ऑरेंज या रेड कलर का होता है। यानी कि जैसे जैसे पीएच स्केल में हम कम संख्या की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो रंग है येलो से ऑरेंज और रेड हो जाता है। यानी कि यदि किसी विलयन का हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता या पीएच मापते हैं और पीएच पेपर पर वह लाल रंग दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसका जो पीएच है वह 0 या 1 हो सकता है। तो यदि जो पीएच पेपर हमें ब्लू
इंडिगो या फिर वायलेट कलर दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो पीएच मान है वह 7 से अधिक है। और इस तरह से पीएच पेपर की सहायता से हम पीएच स्केल का उपयोग करके किसी भी विलयन के पीएच का मापन कर सकते हैं और पीएच मापन की सहायता से हम उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन कर सकते हैं और यह दर्शा सकते हैं कि यह विलयन कितना अम्लीय है, यानी कि वह दुर्बल अम्लीय है या फिर प्रबल अम्लीय है, या फिर हम ये भी दर्शा सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या कितनी है, यानी कि इसकी क्षारकता कितनी है। तो पीएच पेपर की सहायता से या पीएच स्केल की सहायता से हम किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या फिर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करके उसकी अम्लीयता या क्षारीयता का मापन कर सकते हैं। तो आइए, जब हमने जान ही लिया है कि हम भिन्न भिन्न पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता यानी कि प्रबलता का मापन कर सकते हैं, तो आइए कुछ आसपास हमारे उपस्थित जो पदार्थ हैं उनकी अम्लीयता और क्षारीयता का मापन पीएच स्केल की सहायता से करते हैं। बच्चों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयन तथा कुछ फलों के रस, दूध, जल आदि इकट्ठा करके लाई हूँ। अब हम जांच करेंगे कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो आपको पता है ये जांच कैसे होगी? बिल्कुल सही, लिटमस पेपर के द्वारा। हम नीले और लाल दोनों लिटमस पेपर का उपयोग करके ये जानेंगे कि इन सभी पदार्थों में कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। और चलिए अब हम लिटमस पेपर की सहायता से जांच करते हैं कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो सबसे पहले हम जल की जांच करते हैं। जल में मैं सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। ये देखिए, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि जल की प्रकृति ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अब हम दूसरे विलयन यानी कि नमक के घोल की जांच करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। बच्चों, नीले लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं इसमें लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। आप देख रहे हैं लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि नमक का घोल भी उदासीन है। चलिए अब हम दूध में नीला लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर बहुत हल्का परिवर्तित हो गया है। जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दूध बहुत ही कम अम्लीय है। अब हम टमाटर के रस की जांच करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें नीला लिटमस पेपर डालते ही लाल रंग में परिवर्तन हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि टमाटर का विलयन अम्लीय है। इसके पश्चात हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर भी लाल हो गया है और देखिए लाल लिटमस पेपर के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अम्लीय है। इसके पश्चात हमारा अगला विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इसमें हम
फिर से नीला लिटमस पेपर डालते हैं। देखिए नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पेपर डालने पर ये नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय है। अब हम खाने के सोडे के विलयन की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं नीला लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। और अब लाल लिटमस पेपर डालते हैं। लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया, इसका मतलब खाने का सोडे का विलयन भी क्षारीय है। अब इसके पश्चात हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। पुनः हम कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालने पर ये लाल रंग में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है। अब हम इसके विलयन में लाल लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। लाल लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है, जिसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया। इसके बाद बच्चों हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। ये साबुन का घोल जिसमें हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का है। अब हम अंतिम विलयन नींबू के रस की जांच करते हैं। देखिए नींबू के रस में नीला लिटमस पेपर डालते ही ये लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस के पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब नींबू का विलयन कैसा है? अम्लीय है। तो बच्चों इस तरह हमने अपने सारे विलयनों की अम्लता तथा क्षारकता की जांच कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू का रस, टमाटर का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सभी तो अम्लीय हैं। तो इस बात की जांच कैसे हो कि इनमें कौन ज़्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है? बिल्कुल सही बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि अम्ल का अम्लीय गुण उसमें हाइड्रोजन आयनों की वजह से होता है, यानी कि जो अम्ल ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, और ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो ज़्यादा क्षारी होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो अम्ल कम आंशिक वियोजित होकर बहुत थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे वो तनु अम्ल होंगे, जैसे कि एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार बहुत थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो तनु क्षार होंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अम्ल की अम्लता उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो देखा आपने, इस क्रियाकलाप में आपने बहुत सारे पदार्थों के पीएच मापन कर लिए
और ये भी जान लिया कि ये कितने अम्लीय हैं या फिर क्षारीय प्रकृति के हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो पीएच स्केल है उसमें शून्य से लेकर ये जो 14 तक की संख्या है वो कहाँ से आई है, या फिर आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि जब आपने ये विभिन्न पदार्थों के पीएच निकाले तो वहां पर आपने क्षार का भी पीएच निकाला है, क्षार का जो विलयन हमने लिया था उसका भी पीएच निकाला है। तो भाई क्षार के विलयन में तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो फिर उसमें पीएच कैसे हो सकता है, यानी कि उसका उसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति कैसे हो सकती है। तो आइए इस सब बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं, यानी कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पीएच और हाइड्रोजन आयन सांद्रण या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, या हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्षारीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन या H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं।